हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्लस वन का चैप्टर नंबर थ्री प्लांट किंगडम, किंगडम, ओके? सो सो वी आर टू स्टडी टुडे अबाउट प्लांट बच्चों हमें पता किंग आरच बिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था एंड हम अभी वो फॉलो कर रहे हैं ना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो क्या है बेटा उसमें पांच किंगडम किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया राइट सो हम अभी जो फोर्थ नंबर है किंगडम प्लांटे, वो discuss करेंगे, है ना अब बच्चों जो प्लांटे है बेसिकली उसे हमने फर्दर पांच डिविजन में डिवाइड कर दिया है तो प्लांटे किंगडम में हम पढ़ेंगे अबाउट एलगी ठीक है जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स है एलगी जो है बेटा वो क्या है हमारे सबसे Primitive plants है तो हम पढ़ेंगे अबाउट एलगी ठीक है एंजियोस्पर्म वो जिसमें जिससे हमें बेसिकली फ्रूट ऑप्टेन होता है ना फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फिर वो हमें फ्रूट ऑप्टेन होता है राइट तो बेसिकली पांच हम पढ़ेंगे एलगी ब्रायोफाइट्स

जो आपके टेक्स बुक है उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है ना तो वो मैं आपको समझा देती हूँ ठीक है तो सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमारे पास तीन सिस्टम है क्या क्या है वो देखो आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक ओके आर्टिफिशियल्स में क्या करते हैं हम एक या दो कैरेक्टर से लेते हैं नेचुरल में ज्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं एंड फाइलोजेनेटिक मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन हम देख रहे हैं सी बच्चों द वर्ड फाइलोजेनेटिक डील्स विद एवोल्यूशन है ना जो फाइलोजेनेटिक टर्म है वो डील करता है किससे एवोल्यूशन से डील करता है ओके सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम तो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है है ना सो दे बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट कलर नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा सुपरफिशियली हमने देख लिया है ना कि भाई कहाँ मिला मिलता है वो हैबिटेड ठीक है कोई पर्टिकुलर कलर के हिसाब से देन कोई नंबर के हिसाब से कि हाँ आपका पेटल्स का नंबर कितना है है ना और फिर शेप ऑफ लीव्स के हिसाब से सो so, जो लीनियस है कार्ड लीनियस है ना हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लीनियस तो बेसिकली उन्होंने जो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था दैट वाज बेस्ड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो एंड्रोशियम होता है ना ग्रुप ऑफ स्टेमिन ग्रुप ऑफ स्टेमिन इज नोन एज एंड्रोशियम व्हिच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो एंड्रोशियम होता है बच्चों क्या होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर तो आप देख सकते हैं एंड्रोशियम ना उसके अलग अलग यू नो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक मोनो एडल्फर्स ठीक है डाई एडल्फर्स पॉली एडल्फर्स ये सब तो ये सारे के हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था तो इसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं कि भाई एक दो कैरेक्टर के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से आपने डिविजन कर दिया है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों उसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं राइट right? फिर ड्रॉबैक्स क्या थे देखो इसके आर्टिफिशियल जो दिया इन्होंने इसके ड्रॉबैक्स क्या थे तो दे सेपरेटेड दी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स तो कोई ग्रुप है ना बेटा वो उनके फीचर सेम है लेकिन जो फीचर उन्होंने लिया उसके हिसाब से वो डिफरेंट है तो उन्होंने दो ग्रुप में रख दिया उनको समझ में आया अब जैसे समझो एंड्रोशियम है है ना तो एंड्रोशियम जैसे उन्होंने लिया तो दोनों का इसका एंड्रोशियम मोनो एडल्फस है इसका डाय एडल्फस है तो इन्होंने अलग सेपरेट कर दिया बट एक्चुअली दे बोथ आर क्लोजली रिलेटेड फ्लावर एक्चुअली दोनों क्या है क्लोजली रिलेटेड फ्लावर है लेकिन क्योंकि इनका बेसिस कार्लस लीनियस का बेसिस क्या था बेटा कार्लस लीनियस का बेसिस था स्ट्रक्चर ऑफ Androsium, तो इसका इसका है, they are related, पर उन्होंने जो फीचर लिया वो उसके हिसाब से दोनों अलग अलग है तो दो, दोनों को क्या किया Separate कर दिया नॉट एक्सेप्टेबल सिंस कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट तो कोर्स नहीं ले सकते दोनों को साथ में हम फाइन फिर आया बेटा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गैनिज्म तो इट कंसिस्डर एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स मतलब इंटरनल फीचर पे भी हमने ध्यान दिया था जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री ठीक है जो एनाटोमी स्ट्रक्चर ऑफ रूट मोनोकॉट का डाईकॉट का कैसा होगा सब कुछ देखा गया था इसमें एंड क्लासिफिकेशन फॉर ऑफ प्लांट्स किसने दिया ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया तो ये दिया जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर तो हम ऐसा बोलते हैं इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स है जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स है दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इन्होंने एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्होंने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फीचर्स को स्टडी किया था बेटा देखो तस्वीरें देखो इनकी ये है हमारे जॉर्ज बेंथम जी ये है हमारे डेल्टन जी ठीक है तो इन्होंने देखो ऐसे मोर्फोलॉजिकली भी देखा और एक्सटर्नली भी देखा पूरे स्ट्रक्चर को सो so, बेटा याद रखना नेचुरल सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर आपको याद करना है एज इट इन एनसीईआरटी बच्चों अब आते हैं फाइलोजेनेटिक पे है ना एवोल्यूशन के हिसाब से हिसाब से सो दे आर बेस्ड ऑन एवोल्यूशन रिलेशनशिप दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म इन द सेम टेक्सस हैव कॉमन एंसेस्टर तो वैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल <coughs> जो दिखाया है वो एनिमल्स का दिखाया है है ना कि एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे की सब आए हैं तो एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा ठीक है इसे बोलते हैं फैलोजनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ओके बहुत इंपॉर्टेंट है कितने बार डिफाइन वगैरह आपको मिल सकता है है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आपको डिफाइन या आ जाता है देखो क्या है एक्सोनॉमी के टाइप समझ लो आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी साइटो टेक्सोनॉमी और मो आपको पता है टेक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पे बेसिकली आप क्लासिफिकेशन करते हैं है ना क्लासिफिकेशन करते हैं वो ब्रांच है आपका टिक्सुनौमी. तो, आप तो उसके टाइप्स आप समझ लो एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स ठीक है आजकल बायोलॉजी फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है बहुत है ना नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर प्रोसेस्ड दस हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी इक्वली कंसीडर्ड ठीक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऐसे समझिए बच्चों आप कि मेरे पास है ना समझे ट्वेंटी प्लांट्स है ठीक है ट्वेंटी प्लांट्स है अब मेरे को पता लगाना है भाई मोनोकॉट है डाइकॉट है लीव का बेनेशन कैसा है फ्लावर के पैटल्स कैसे हैं है ना जो भी है तो मैंने ऐसे करके ट्वेंटी प्लांट्स है एंड उसके ट्वेंटी भी चलो मैंने जो टेक्सा बना ना वैसे ले तो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव प्लांट्स है फाइव प्लांट्स है ना क्योंकि ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना वो फाइव का बना हुआ है इसलिए ये जो टेक्सा कैरेक्टर्स बने हुए ना तो फाइव एंड किसमें क्या फीचर है किसमें क्या फीचर नहीं मुझे स्टडी करना है तो मैं एक एक लिखूंगी तो इट इज नॉट गुड है ना बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में समझने में तो मैंने क्या किया पांच जो प्लांट है उसके नाम लिख लिए समझो प्लांट ए प्लांट बी प्लांट सी प्लांट डी और प्लांट ई e. पांच प्लांट है। और ये कैरेक्टर वन कैरेक्टर टू

प्लांट ए बी सी डी ई है पांचों के पांचों क्या है बच्चों पांचों के पांचों एनजीओ स्पर्म है तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है यहाँ पे ये देखो सब में प्लस लगा दिया गया है सब में प्लस लगा दिया गया है ठीक है वैसे ही मेरा टू था ठीक है टू पे मैंने कैरेक्टर लिया वो कैरेक्टर टू जो है वो भी सब में प्रेजेंट है कैरेक्टर टू जो है वो भी क्या है बेटा सब में प्रेजेंट है तो सब में प्लस लगा दिया अब कैरेक्टर थ्री है फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि हाँ ये मोनोकोट है और या फिर डाइकॉट है तो इसमें से जो तीन है वो डाइकॉट है फॉर एग्जांपल और दो जो है वो मोनोकोट है तो देखो डिफ्रेंशिएट हो गया फिर आगे मैंने और कैरेक्टर्स ले लिए ऐसे कर करके ठीक है तो बेसिकली मैं एक एक पेज को देखने से ही इस एक पेज को बच्चों इस एक पेज को देखने से ही मुझे पता चल रहा है तो वेरी इजी टू क्लासिफाई ये छह प्लांट को मैं इजीली प्रॉपर जहां पे ये पढ़ेंगे वहां मैं क्लासिफाई कर सकती तो इनको रख सकती हूं मैं ठीक है तो दिस काइंड ऑफ टेक्सनोमी तरीका को हम क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सोनॉमी कि क्या किया हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन कर दिया है मैंने क्या किया हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन कर दिया एंड जिस प्लांट के पास जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वहां पे प्लस लगा दिया नहीं प्रेजेंट तो मैंने माइनस लगा दिया तो फिर फटाफट में एनालाइज कर लूंगी अच्छा आ, ये वाला प्लांट है ये वाला रूट है ऐसा है ये है लीफ एसी है फ्लावर्स में पेटल्स इतने हैं, स्टेमस टाइप का है चलो इसको इस ग्रुप में डाल दो इसको इस फैमिली में डाल दो समझ में आया तो काम न्यूमिकल टेक्सो में क्या करता है कंपाइल तो पूरा, पूरा करके दे देता है, है, कर दे है और इट्स वेरी इजी टू स्टेट द कंपाइल डाटा एंड देन पुट दैट प्लांट इन अ पर्टिकुलर टेक्सा ठीक है समझ में आया ये देन साइटो साइटू वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आता है सेल राइट बिकॉज स्टडी ऑफ सेल साइटोटेक्सोनॉमी है ना तो साइटू वर्ड आते ही सेल आता है साइटोलॉजी तो साइटोटिक्सोनॉमी मतलब कुछ सेल के पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम यूज करके क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाए हैं है ना तो उसे हमने बोल दिया साइटोटेक्सोनॉमी इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर स्ट्रक्चर बिहेवियर ठीक है कितना क्रोमोजोम नंबर है है ना कैसा स्ट्रक्चर है तो ये सब के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन करते हो है ना दिख रहे हैं बेटा क्रोमोजोम्स दिख रहे हैं वाओ राइट देन कीमो टेक्सोनॉमी कीमो कीमो वर्ड मतलब केमिकल ठीक है तो हम क्या करते हैं इट यूज केमिकल कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द प्लांट हम केमिकल्स निकालेंगे और उस हिसाब से केमिकल्स के बेसिस पे हम डिविजन्स देंगे है ना अब बेटा दिशा देखो एक हेक्जोकाइनेज है एंजाइम है वो हेजोकाइनेज एनजाइम ईक्लाइम मिलता है प्लांट से ही मिलता है एनिम मिलता, मिलता है तो बेसिकली अच्छा ये है केमिकल कहाँ से आया हमें वो भी पता चल जाता है ठीक है तो कीमो टेक्सोनॉमी हम क्या कर हैं? हम करते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिटेंसी के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं अब जैसे यहाँ पे ये जो प्लांट्स है तो इनमें जैसे केमिकल प्रेजेंट है तो तीनों प्लांट में केमिकल प्रेजेंट है बेसिकली ठीक है तो इट्स वेरी इजी टू क्लासिफाई देम ये अच्छा इस प्लांट में क्या क्या केमिकल है तो इसको किस कैटेगरी में रखना है वो हम करते हैं

क्लासिफिकेशन करते हैं आगे समझ में एनी डाउट इन दिस सो ये डिफाइंड बेटा आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एज एनसीआर में डिफाइन गिवन है आपको मिल सकता है एग्जाम में ठीक है तो इतना आप लर्न कर लीजिएगा ओके थैंक यू